आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस सेट एंड कर्व। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट। तो देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कंज्यूमर के सामने जब कंज्यूमर अपने इनकम को दो चीज़ों में यानी कि टू कमोडिटी में खर्च करना चाहता है। यानी कि दो कमोडिटी मान लीजिए ए और बी के बीच में खर्च करना चाहता है। तो क्योंकि इनकम क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब जब इनकम लिमिटेड होता है तो वो जब दो चीज़ों में यानी कि गुड्स ए एंड गुड्स बी में खर्च करेगा तो इसको खर्च करने के कई ऑप्शन बन जाते हैं उसके सामने, बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक एग्जांपल के साथ मानता हूँ, तो ए और बी का जो ऑप्शन बनेगा यानी कि इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन, हिंदी में कहते संयोग। ये हो गया गुड्स ए और ये हो गया गुड्स बी, संयोग नंबर एक ये बनता है। और ये लिमिटेड हम ये मानते हैं कि उसका पूरा पैसा खर्च होना है। मान लीजिए कि अगर गुड्स ए वो केवल एक यूनिट खरीदता है तो गुड्स बी की वो जो है 10 यूनिट खरीद पाएगा। कॉम्बिनेशन टू में अगर गुड्स ए दो यूनिट खरीदता है तो ग्रुप का 7 यूनिट खरीद पाएगा। थ्री यूनिट ऑफ ग्रुप गुड्स ए और 5 यूनिट ऑफ गुड्स बी। फोर में 4 यूनिट ऑफ गुड्स ए और 4 यूनिट ऑफ गुड्स बी। ये जितने भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बने हैं, कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सारे कॉम्बिनेशन आपस में एक कंज्यूमर के लिए कैसा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हर जहाँ पर उसको पर्याप्त क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि हर जगह उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन इक्वल होता है, सेटिस्फेक्शन में किसी प्रकार का जो है डिफरेंस नहीं पाया जाता। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है, यानी एनी ऑप्शन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ए एंड गुड्स बी के, क्योंकि सब में बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसी कारण से इस मिलने वाले हर ग्रुप से मिलने वाला समान बिना डिफरेंस का सेटिस्फेक्शन के कारण इसको कहा जाता है इनडिफरेंस सेट होता है। क्योंकि हर एक सेट है, पहला सेट दूसरा सेट, और हर सेट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, यू कैन इक्विलिटी यहाँ पर क्या हो जाता है, समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि किसी भी कंडीशन के बीच में कोई भी एज देयर इज नो डिफरेंस अमंग कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, वी मे से दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। हम ये कह सकते हैं जो किसी हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट है, यानी कि अलग अलग नहीं है दोस्त कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन इनडिफरेंस सेट। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को जो है इनडिफरेंस सेट कहा जाता है। तो इसको अगर हम कहें कि किस तरीके से इसकी जो है मीनिंग को लिखें, तो इसकी मीनिंग को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करने के बाद इसको फिर अपने नोटबुक में उतार लीजिए। इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है कंज्यूमर को, जहाँ पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक समान सेटिस्फेक्शन मिले। सो डैट, इसी कारण से द कंज्यूमर इज अ इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन, जिस कारण से कंज्यूमर किसी भी प्रत्येक कॉम्बिनेशन में जाके इनडिफरेंट होता है, यानी कि उदासीनता होता है। उसके लिए कोई भी लेवल जो है अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकता है, यानी कि कोई किसी में कोई यानी कि ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा कम मिलेगा, सब में बना समान सेटिस्फेक्शन उसका मिलता है। तो इस प्रकार के सेट को जो है इनडिफरेंस सेट कहा गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो रहा इनडिफरेंस सेट की, अब बात आती है व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व है, हिंदी में इनडिफरेंस कर्व को कहा जाता है उदासीनता वक्र। अब ये समझिए कि यहां पर जो सेट दिया हुआ है
इंडिफरेंस सेट, जब इंडिफरेंस इंडिफरेंस सेट को, जब सेट को जो है कर्व के रूप में शो किया जाता है, दर्शाया जाता है, देन उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शो करेंगे, ये हो गया गुड्स वाई और यहाँ लेंगे हम गुड्स एक्स जीरो, तो गुड्स एक्स सॉरी ए और ये हो गया बी, ये हो गया वन टू थ्री एंड फोर, फोर यूनिट। उसी तरह इसका एम लेंगे टू फोर सिक्स एट और टेन। अब जब गुड्स ए का एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो गुड्स बी का कितने यूनिट यूज़ कर रहे हैं, टेन, यानी कि दिस पॉइंट, हर पॉइंट आपस में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दिस पॉइंट। जब हम यूनिट टू यूज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल हो रहा है सेवन पॉइंट, यानी कि दिस पॉइंट। यूनिट जब हम गुड्स ए का थ्री यूनिट ले रहे हैं तो गुड्स बी का आ रहा है फाइव यूनिट, देखिए सब में कॉम्बिनेशन बनता चला जा रहा है यहां पर। और यूनिट फोर पे हो रहा है गुड्स का फोर, तो इसका जो कर्व बनेगा, इसको जब हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से बनता है ये, तो ये हो गया इन डिफरेंस कर्व, शॉर्टकट में कहते हैं आईसी। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। तो इसको और बेटर तरीके से अगर हम समझें इसकी डेफिनेशन को, कुछ इस तरह से हो सकता है इसकी मीनिंग। देखिए इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर के इंडिफरेंस सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ये जो है दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करता है, ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जहाँ पर कंज्यूमर के सेम लेवल एक समान सेटिस्फेक्शन को बताता है। यानी कि ये जितने भी ऑप्शन उसके आ रहे हैं ए बी सी डी, हर एक पॉइंट हर एक लेवल जो कंज्यूमर का समान सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है। ये तो हो गई इसकी मीनिंग की। अब जो एग्जाम में जो आता है और पूछा जाता है, सबसे मेन जो इसको समझना कहा जाता है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का जो फीचर, जो हमने कर्व बनाया है इस तरीके से, इसके कौन कौन से फीचर्स है, तो अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मतलब इंडिफरेंस कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ होता। हम आपने देखा अभी जो मैंने ग्राफ आपको समझाया है, ये ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास जो है लिमिट इनकम लिमिटेड होता है, ऐसे में अगर दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना करें तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के में पढ़ा है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है कि हम दोनों चीज़ को एक साथ ना बढ़ा सकते हैं ना एक साथ घटा सकते हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे जितना भी हमारे पास फैक्टर है इनकम है उसका यूज़ करना है। तो ऐसे में जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, यानी कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये इसका फर्स्ट फीचर है। फीचर नंबर टू की बात करें तो ये है हायर इंडिफरेंस कर्व, यानी कि आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, सबसे पहली बात तो है एक ही कंज्यूमर का अगर किसी वस्तु को बनाएगा, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए ये कुछ इंडिफरेंस कर्व है, ये हो गया आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री और आईसी फोर, तो यहाँ पर जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है बढ़ता
चला जाता है उतना ही ज़्यादा होता है। फीचर नंबर थ्री, इंडक्शन कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये जो इंडक्शन कर्व हमने बनाते हैं ये जो है इसका ओरिजिन क्या होता है, ये है ओरिजिन की जिसको कहते हैं मूल बिंदु, ये हमेशा मूल बिंदु के विपरीत दिशा में जाता है यानी कि कॉन्वेक्स होता है, इसका पीठ जो है इसकी तरफ मुड़ा होता है और ये पॉइंट आगे की ओर ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो MRS को रेफर करता है, मैन दैट मीन्स MRS रेफर टू द रेट ऑफ विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड टू फर्दर। ऐसा इसलिए होता है कि कंज्यूमर एक गुड्स की जगह दूसरी गुड्स को वरीयता देता है और ऐसे में उनका जो स्लोप जो है नीचे की ओर बनता चला जाता है, यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू होता है। फीचर नंबर फोर, इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंज्यूमर का अगर हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया तो कोई भी सेम कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान दे के रखना है। तो ये हो गया इसके फोर सबसे मेन जो है फीचर्स जो आपको लिखने होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आना चाहिए। थैंक यू।